तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग को मैं एक बता दूँ, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये एक बूफर और एक सबवूफर के ऊपर है। काफ़ी भाइयों को कन्फ्यूज़न होता है कि हमें बूफर और सबवूफर में क्या फ़र्क है, उन्हें अच्छे से कोई गाइड नहीं कर पाता या उन्हें कोई बता नहीं पाता। तो फ्रेंड, इसी टॉपिक के ऊपर आज हम ये इस वीडियो को लेकर के आए हैं आपके लिए, जो कि आप कभी कन्फ्यूज़ ना हो वूफर और सबवूफर में क्या अंतर है। तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आपको वूफर और सबवूफर में क्या अंतर है और उसके कॉइल, स्पाइडर और भी जो उसके चीज़ें बेसिक, उससे आप कैसे पहचानें कि ये वूफर सही है कि ये सबवूफर अच्छा है, ख़राब है, ये हमें लेना चाहिए, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, आपको मैं इस वीडियो में आपको पूरे अच्छे से कवर करूँगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ मेरा आपको रिक्वेस्ट है, आप तुरंत मेरे को कमेंट में आप अपना क्वेश्चन टाइप करिए और मैं आपको तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको इसमें कोई और भी कन्फ्यूज़न है आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, आपको जैसा भी आपको मुझसे पूछना है मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड कर दूँगा। जहाँ तक कि फ्रेंड्स, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, जो चीज़ मैं उसे खुद यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा, ठीक है। तो गाइस, आपने ये सभी स्पीकरों को देख लिया होगा अच्छे से। अब मैं आपको इन सभी स्पीकरों के और वूफर के बारे में आपको अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे। तो आप ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो ये जो है ये एक स्पीकर नहीं गाइस, ये एक सबवूफर है। अब आप बोलोगे कि हम आपको तो पता है कि वूफर और सबवूफर में क्या अंतर है। अब मैं आपको बता दूं इसमें वूफर और सबवूफर में क्या अंतर है। सबसे पहले जो आपको देखना है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है गाइस, मैं आपको वो बता रहा हूँ। और तकरीबन आप किसी और से ही पूछोगे तो आपको यही बताएगा जिसको खासकर अच्छी नॉलेज हो। गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सिंगल मैग्नेट है, वैसे किसी किसी में डबल भी होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसका फ्रेम देखना है कि फ्रेम इसका जो है वो कैसा है। फ्रेम में आपको क्वालिटी कुछ ख़राब मिलती है तो कुछ बहुत अच्छी मिलती है। जैसे इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है, मैं आपको इसका कंपनी है यहाँ प्रिंटेड है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सोनी का जो है, ये सोनी का है, तो सोनी वाले गैस प्रोडक्ट अच्छा बनाते हैं। और किसी किसी में फ्रेंड्स यहाँ पे दो स्पाइडर लगते हैं, किसी में तीन, बट मेरे में दो लगते हैं फिलहाल, तो मैंने इसको एक में ही लगा रखा है। अब आप कहोगे अब ऊपर सब ऊपर में आप इसमें वूफर में कितने कितने इंच का कॉइल लगता है, कितने लेयर का कॉइल लगता है, इसका कोन कैसा होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। वीडियो फ्रेंड्स थोड़ी लंबी होने वाली है, आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखोगे तो आपको किसी और वीडियो को देखने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको पहले मैं इसके अंदर कॉइल दिखा देता हूँ जो लगा है, शायद आपको दिख रहा हो, आप लोग देखने की कोशिश करना, आप देख सकते हो। वैसे मैं आपको एक इसका कॉइल दिखा देता हूँ, इसमें गाइस फोर लेयर का कॉइल डाला हुआ है जो कि ये बेस प्रोड्यूस करता है। इसका पंच आप देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको इसका वॉइस दिखाता हूँ, वॉइस कॉइल, ये गाइस मैंने एग्जांपल आपको दिया है, ये गाइस ख़राब नहीं है, बस इसका वायर थोड़ा टूट गया है। और इसका जो वॉइस कॉइल है ये फोर लेयर का कॉइल है, गाइस का फोर लेयर का वॉइस कॉइल है जो कि ये बेस वाला है। इसमें गाइस सब ऊपर में सब वॉइस कॉइल जो है फोर लेयर का लगता है जो कि हमें बेस प्रोड्यूस करवाता है, और इसमें आप टू लेयर का भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा था मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट के बारे में, तो इसमें आपको क्या देखना है, जो सिंगल मैग्नेट है आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। डबल मैग्नेट जो होता है
वो आपका कम से कम इतना होगा कम से कम गाइस, जो कि आपका बहुत ही हाई प्रोड्यूस बेस प्रोड्यूस करेगा। तो गाइस मैं कॉइल दिखा रहा था, आप ये देख सकते हैं हल्का हल्का दिख रहा है, जो नीचे रेड रेड से दिख रहा है ये आपका वॉइस कॉइल है। ये गाइस मैंने 4 लेयर में लगवा रखा है, इसको भी गाइस मैंने खुद ही बनाया है। अगर आपको स्पीकर की वीडियो देखनी है मैं आपको का लिंक दे दूंगा, मैं आपको वो वीडियो भी वो स्पीकर भी दिखाऊंगा जो मैंने इसको रिपेयर किया था। गाइस जो मैं आपको इस लोहे के बारे में बता रहा था कि कौन सा वूफर और सब वूफर बनकर है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको वो बता रहा हूँ। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिल्वर में आपको जो प्लेट सा दिख रहा है इसमें स्पीकर में, यहाँ देख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ कॉर्नर में इसके देख सकते हैं दोनों साइड में मैग्नेट के आगे पीछे। खासकर गाइस अगर जो जिसका कलर इस साइड ऐसा हो चिमकली कलर का, जैसा कि आप फ्रेंड देख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी के स्पीकर होते हैं ऐसे। गाइस अगर आपको इसमें कुछ और भी पूछना है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। ये है मेरे पे एक वूफर का स्पीकर। अभी आप गाइस कहोगे अभी ये भी वूफर था ये भी वूफर है, नहीं गाइस ये सब वूफर है जो कि बेस वाला है। सब वूफर आपको सिर्फ बेस देगा आवाज़ नहीं देगा, ये जो वूफर है ये आपको आवाज़ देगा, ये हल्की हल्की बेस देता है। जो कि गाइस मैं बता दूं इसको ही मैंने खुद ही रिपेयर किया है, जो तकरीबन आपको पास जो भी स्पीकर दिख रहे हैं वो सब मैंने खुद रिपेयर किया है। यहाँ देख सकते हैं इसको मैंने मॉडिफाई कर रखा था ये कलर वगैरह से। आपको मॉडिफिकेशन कैसा लगा आपको वीडियो में कमेंट करके बताना। और मैं आपको स्पाइडर बता दूँ कौन से वूफर में कौन सा स्पाइडर होता है और कितना कौन सा हमें स्पाइडर लेना चाहिए, कौन सा हमें कौन लेना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में सब डिटेल वाइज बताऊँगा। जैसे कि गाइज ये मैंने सब वूफर के लिए ये वूफर बनाया मैंने। ये गाइस जो आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि ज़्यादा ये आवाज़ प्रोड्यूस करता है, ये बेस कम आवाज़ ज़्यादा निकालता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वूफर का ये स्पीकर बनाया था, ठीक है। इसके जैसा एक और स्पीकर है बट वो साइज़ में छोटा है। पहले मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता दूँ, ये मैं यहाँ डस्ट कैप लगा रखा था और ये कोन जो है ये पेपर कोन है गाइस, काफ़ी हार्ड है फिर भी ठीक है। अब मैं इसका कॉइल बता दूँ इसमें कितने इंच का कॉइल लगता है, कितना बड़ा कॉइल लगता है ये देख सकते हैं। ये इसका कॉइल है, ये देख, ये इसमें कॉइल लगता है, इसमें 1 इंच का कॉइल लगता है। इसमें गाइस वूफर का कॉइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वूफर का कॉइल है, ये गाइस ये जल गया था बट ये अभी भी काम कर रहा है। ये मैंने एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, ये सब वूफर का है, ये वूफर का है, जो कि जो आपको वूफर का कॉइल होता है वो 2 लेयर का होता है, यानी कि इस पर 2 बार परत चढ़ी होती है, एक स्टार्टिंग से यहाँ तक एंड तक और एक एंड से लेके स्टार्टिंग तक, ये आपका वूफर का कॉइल होता है। और जो आपका सब वूफर कॉइल होता है इसमें जो आपका कॉइल बनता है वो मैं आपको एक बार इसमें बताना चाहूँगा, जिन भाइयों को पता नहीं है उनके लिए, जिनको पता है आप वो भी सुन सकते हैं। गाइस मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको वीडियो अगर आपको स्किप करना है तो आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो यहाँ पे वूफर का कॉइल सब वूफर का कॉइल है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी मोटाई देखिए और इसकी मोटाई देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आपने देख लिया होगा ये जो सब ऊपर का कॉइल है, इसमें गाइस क्या होता है इसमें 4 लेयर का कॉपर वायर लगता है, जो कि स्टार्ट आप देख सकते हैं ध्यान से, मैं आपको और जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये कैसा है फ्रेंड्स, ये 2 साइड ऊपर से चढ़ता है, 2 साइड नीचे से, एक नीचे से एंड तक, एक एंड से ऊपर तक, एंड से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, मतलब गाइस ये 4 बार कम से कम ऐसा होता है।
दो बार ऊपर से, दो बार नीचे से, तो आपका सबवूफर कॉइल बन जाता है। जो कि सबवूफर कॉइल होता है वो ऐसे स्पीकरों में लगता है, बट इसका कॉइल ये वाला नहीं है गाइस। मैं आपको इसका कॉइल भी दिखा देता हूँ। जो इसका कॉइल है मैंने आपको दिखाया था अभी, ये इसका सबवूफर का कॉइल है जो कि ये इसमें लगता है। ये गाइस इसका 2 इंच का है, और ये जो सबवूफर का कॉइल है और ये वूफर का जो कॉइल है, जो ये वूफर का कॉइल है वो लगेगा हमारा इसमें। और ये गाइस में सबवूफर का कॉइल और वो वूफर का कॉइल जो है वो लगता है आपका ऐसे स्पीकर है, जो कि 8 इंच का है। इसमें गाइस वूफर सबवूफर इसमें दोनों तरह से लग जाता है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जिस जो आपका ये सिल्वर कलर का जो आपका ये लोहा होता है, आपको ये चेक करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वूफर सबवूफर ख़रीदने में कोई इशू है, डिस्क्रिप्शन में मेरा इस वीडियो के एंड में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आपको कुछ भी पूछना हो आप मेरे से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। गाइस अगर आपको वूफर सबवूफर के बारे में ही आपको जानना हो, तभी आप मेरे पास कॉल करना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। इसका वीडियो जो आपने देखा होगा, इसका वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर डाला है। अगर आपको इसका वीडियो देखना है, मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्पाइडर की। स्पाइडर देख सकते हैं आप यहां पे। स्पाइडर में मैंने अच्छी क्वालिटी का लगाया, जो आपका जो हार्ड क्वालिटी का जो स्पाइडर होगा जिसको आप दबाएंगे जल्दी वो दबेगा नहीं। देख सकते हैं ये जल्दी से दब नहीं रहा। जो आपका हार्ड क्वालिटी का स्पाइडर होता है वो गाइस यकीन मानिए बहुत अच्छा क्वालिटी होता है। जो कि मैंने ये इसमें एक लगा रखा है सबवूफर में, ये भी मेरा एक सबवूफर ही है, बट ये साइज में छोटा है, इसके साइज में मत जाना आप। गाइस जब तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे को कमेंट में बताना। ये आप इसको सबवूफर वूफर किसी में भी आप यूज ले सकते हैं, बट ये मेरा सबवूफर है। इसमें मैंने 4 लेयर का कॉइल डाला है जो कि ये वाला है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा होम थिएटर का टावर का ये सबवूफर है, सॉरी वूफर है, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पे आपको इसका ये देखना पड़ेगा, आपको इसका लोहा। अब मैं आपको फर्क दिखाता हूँ। गाइस देखिए दोनों में मैग्नेट सेम है, सिंगल मैग्नेट। आप इसको इसके साइज में फ़र्क है, ये 6 इंच का है, ये 8 इंच का है। तो अब मैं इसमें बताता हूँ आपको, आप ध्यान से। पहले तो आप इसका लोहा देखिए, सिल्वर में है और ये थोड़ा येलो में है। जो येलो होता है गाइस, इसमें आप खाली वूफर का कॉइल लगा सकते हैं, जो कि आपका 2 लेयर का होता है, जो मैंने जिस तरह का आपको बताया था इस तरह का। और जो 4 लेयर का कॉइल होता है गाइस, आपको ऐसे लोहे में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसी के लिए इसी वीडियो में मैंने आपको ये समझाने के लिए इसका मैंने डस्ट कैप हटाया, जो कि आप अच्छे से समझ पाओ। आप देख सकते हैं इसको भी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे हमारा ये भी हमारा गाइस वूफर ही है, बट इसमें होम थिएटर वाले वगैरह जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो इसमें यूज़ करते हैं ज़्यादातर। वैसे इसमें कोन तो बहुत ज़बरदस्त लगा रखा है गाइस। We'll be right back.
इसका पेपर कौन है, ये मैंने आपको एग्जांपल समझाने के लिए दिया है। ये इसमें लगता है 8 इंची का ही है। और गाइज मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरे पास सबवूफर है काफ़ी वेट है इसमें। जो सबवूफर होगा उसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले उसका आपको देखना है मैग्नेट कि वो कितने मोटाई में है और कितना डबल है सिंगल है। अगर सिंगल है तो भी ठीक है, डबल है तो भी। ज़्यादा गाइज आपको फोकस करना है डबल मैग्नेट पे। डबल मैग्नेट होगा आपको, मेरे हिसाब से दो चीज़ देखना है आपको, मैग्नेट और आपको ये इसका लोहा जो इसके कटोरी में लगा। तो गाइज मुझे तो पता नहीं इसको क्या कहते हैं, आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताना, मुझे भी आपसे सीखने को कुछ नई चीज़ मिलेगी। तो सबसे पहले आपको इसका मैग्नेट देखना है, जितना मोटा मैग्नेट होगा आपका जो ये वूफर है आपका, तभी अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिल पाएगा वूफर का। जब तक आपका मैग्नेट जितना मोटा जितना बड़ा होगा, आपको इसका जो बेस है बहुत ही तगड़ा मिलेगा। अब मैं आपको इन सभी को, आपको मैंने दिखा दिया ये इसका पेपर कौन है पहले आपको। तो यहाँ हमने अपना बेस टेस्ट करने के लिए लगा दिया है, अब आप सबका बेस्ट टेस्ट करिए। तो गाइस आपको इन सब में से आपको किसका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा लगा, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को आगे बता सकते हो। मैं आपको बताता हूँ आपका, आप एक नंबर इसका, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, आपको जोन से नंबर का भी स्पीकर अच्छा लगा हो आप कमेंट सेक्शन में उसमें लाइक करना, तो मैं समझ जाऊँगा आपको उसका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा और अच्छा लगा है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।